आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर मेरे एक न्यू वीडियो में स्वागत है। मैं आपका भाई आर के ब्लॉग अमर फाटन यूट्यूब चैनल से। तो सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को आज उर्स के उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उर्स का उत्सव मनाया जा रहा है दशहरा में। तो आज मैं आया हूँ इस उर्स का मेला घुमाने आपको, साथ ही इस उर्स के मेले में भव्य कव्वाली का प्रोग्राम भी रखा गया है। तो आप बने रहें मेरे साथ में, मैं आपको यहाँ का पूरा शेयर कराऊंगा। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, अगर आप मानते हैं कि मैं आपके लिए ये दूर दूर जाता हूँ और नए नए ब्लॉग में वीडियो बनाता हूँ, अगर लगता है आपका भाई मेहनत करता है तो प्लीज़ आप मेरा इस वीडियो को एक दो ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए एक नए वीडियो लाता रहूं। तो आइए चलते हैं आगे। तो जिस तरह मैं बताया आपको कि उर्स का मेला लगा हुआ है उचेहरा में, देख सकते हैं लाखों की संख्या, मैं तो देखा पब्लिक को और आप भी देखिए, लगभग लाखों की संख्या से भी ज़्यादा संख्या यहाँ आज आई हुई है। तो आप देख सकते हैं नई नई दुकानें यहाँ सजी हुई हैं, जहाँ पर आपको कई सजाने की सामग्री से लेकर के दरगाह में चढ़ने वाला मिष्ठान और चादर भी यहाँ उपलब्ध है, जो आप लेकर के दरगाह में चढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं दरगाह की तरफ, जिनके नाम से ये उर्स का मेला रखा जाता है प्रतिवर्ष। और गाइस बताना चाहूँगा, मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षों से लगातार ये उर्स का मेला यहाँ लगता है और लाखों लाख भीड़ यहाँ आते हैं पब्लिक। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं हजरत नौगजा शाह दाता रहमतुल्लाह बाबा जी के पास, जो दरगाह है जो बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग के द्वारा सजाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं बाबा जी की दरगाह के सामने बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, लाखों की संख्या में इस उर्स के मेले में आए हुए हैं। साथ ही बाबा जी की दरगाह जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से लाइटिंग के द्वारा सजाया गया है। तो अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, आप बन रहे मेरे साथ और पूरा वीडियो देखें। तो अब चलते हैं, आइए आपको लेकर के दरगाह के पास, जो कि आप देख सकते हैं हजरत नौगजा शाह दाता रहमतुल्लाह बाबा जी का ये दरगाह है और कितनी सारी पब्लिक यहाँ आई हुई है दर्शन करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो अब हम आपको अंदर का दर्शन कराएंगे, आपको आप बन रहे मेरे साथ में। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
तो मुझे आशा है आप भी बाबा जी का दर्शन जरूर किए होंगे। तो अब हम चलेंगे आपको बाहर लेकर, और यहाँ का जो मेला लगा हुआ है मेला भी आपको हम दिखाएंगे, साथ ही यहाँ शानदार कव्वाली का प्रोग्राम भी रखा गया है। तो आप बन रहे मेरे साथ में और वहाँ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जो कि देख सकते हैं कैसी अच्छी अच्छी दुकानें यहाँ सजी हुई हैं, जहाँ मिष्ठान, चादर और बच्चों के लिए खिलौने भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो गाइस अब हम आपको ले चल रहे हैं मेले की तरफ। जी हाँ, यहाँ उर्स का मेला भी लगा हुआ है जो काफ़ी भव्य है, और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ आई हुई है इस उर्स के मेले में घूमने के लिए, और यहाँ का शानदार कव्वाली का प्रोग्राम देखने के लिए, जो कि इस मेले में खाने पीने से लेकर के काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे आपको, और मनोरंजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध भी हैं यहाँ। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा, आज इस उचेहरा के उर्स के मेले में घूमने के लिए लाखों से भी ज़्यादा संख्या आई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं इस मेले में बच्चों के लिए अच्छे अच्छे घूमने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अभी हम आगे चलेंगे आगे, जो देख सकते हैं यहाँ पर कई छोटे और बड़े झूले भी आए हुए हैं। तो गाइस एक चीज़ आप गेस करेंगे इस वीडियो में, जो ये आसमानी झूला है, देख सकते हैं झूले के बीचों बीच तीन लड़के भी इस झूले को राउंडिंग कर रहे हैं, फिरा रहे हैं, जो कि ये लगता है कि बिना लाइट के चलने वाला झूला है, और उसी झूले के बगल में आसमानी झूला भी लगा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं भारी भरकम भीड़ आज इस मेले में आई हुई है, क्योंकि पूर्ण रूप से मनोरंजन का साधन का उपयोग करते हुए फुल मज़ा और एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम चलेंगे आपको लेकर के कव्वाली की तरफ, जहां पर भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कव्वाली का जो प्रोग्राम रखा गया है, उस कव्वाली को देखने के लिए दूर दूर से जो आए हैं उनके लिए बैठने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था बनाया गया है, एक तरफ महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ पुरुषों के लिए, साथ ही बीच से रास्ता गया है आगे जाने के लिए। तो आप ही हम आपको ले चलेंगे आगे, आप बन रहे मेरे साथ और पूरी वीडियो जरूर देखें। मध्य प्रदेश आईटी सेल के उपाध्यक्ष और कमेटी के विशिष्ट अतिथि आदरणीय आदित्य प्रताप सिंह जी भी मौजूद है, उनका भी कमेटी तहे दिल से। जो कि गाइस कव्वाली का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, और देख सकते हैं भारी पब्लिक यहां आज आई हुई है, एक तरफ माताएं बहनें बैठे हैं, एक तरफ भैया बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था यहां के कमेटी द्वारा बनाई गई है। और जो कि बताना चाहूँगा, ये उर्स का कार्यक्रम नौजवान उर्स कमेटी उचेहरा के द्वारा कराया जा रहा है, जो बहुत ही भव्य कार्यक्रम के रूप में आज आपको दिख रहा है। तो गाइस धन्यवाद आपको मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपको नए नए वीडियो ला सकूं। तो जल्द मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में, और उस नए वीडियो में आपको कव्वाली का पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा, जिसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि इस कव्वाली में बहुत ही दूर दूर से फनकार आए हुए हैं, बहुत मज़ा आया मुझे इस इन सब का कव्वाली सुन करके। तो अगली वीडियो में आपको मिलेगा पूरी कव्वाली का प्रोग्राम। ओके गाइस धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए, जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।